क्या हस्तमैथुन के कारण वजन कम हो गया है? अक्सर ऐसे पुरुष जिन्हें हस्तमैथुन की आदत होती है, वे अपने दुबले पतले शरीर को देखकर सोचते हैं कि आखिर मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरी सेहत क्यों नहीं बढ़ती, जबकि मैं तो बहुत अच्छा खाता पीता हूँ, सैर के लिए भी जाता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, फिर क्या कारण है कि मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। दरअसल बहुत ज्यादा हस्तमैथुन के कारण वीर्य नष्ट हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर से खोखलापन हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसी कारण से वजन नहीं बढ़ता है और आप दुबले पतले दिखने लगते हैं। वीर्य हमारे शरीर में एक ऐसी ताकत है जिसकी कमी के कारण हमें भविष्य में कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप सेहत बनाना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हस्तमैथुन की आदत भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम आपको इस वीडियो में ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं जिसकी मदद से आपके शरीर में वीर्य बनेगा, ताकत आएगी, सेहत बनेगी और वजन बढ़ने लगेगा। हस्तमैथुन से आई कमजोरी कैसे दूर करें, अब हम आपको बताने वाले हैं घरेलू उपाय। सबसे पहले आता है खजूर। आपके शरीर में वीर्य की कमी को दूर करेगा और आपको ताकत और एनर्जी भी देगा, इसलिए रोजाना 4 से 5 खजूर खाएं और इसके बाद 1 गिलास दूध पिएं। कुछ दिनों में शरीर मोटा होने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा। टमाटर का सूप। टमाटर के सूप में प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसको पीने से आप अंदर और बाहर दोनों तरह से खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे और शरीर में भी ताकत आएगी और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा। केले का सेवन। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं तो आपको हर रोज सुबह शाम 2 केले दूध के साथ खाने चाहिए। केला पचने में भी आसान होता है और इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और आप मोटे हो जाते हो। अंकुरित चीजें। तेजी से वजन बढ़ाने के लिए आप अंकुरित चीजें अधिक सेवन करें। दरअसल वजन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन और फाइबर, और अंकुरित पदार्थों में ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए आप अंकुरित चने दालें अधिक सेवन करें। दूध और शहद। वीर्य नष्ट होने के कारण आपका शरीर कमजोर हो गया है तो आप दूध और शहद का सेवन करें। इनके सेवन से आपके अंदर वीर्य की मात्रा बढ़ जाएगी और हस्तमैथुन से आई कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इसको लेने का तरीका ये है कि आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। हस्तमैथुन से लिंग की नसें कमजोर हो चुकी हैं, तो इसे ठीक करने के लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कच्ची चबाकर खाएं, यह फिर इसका पेस्ट बनाकर शहद के साथ चाटें। लिंग की नसें ठीक होकर लिंग में तनाव भी कमी दूर हो जाएगी और हस्तमैथुन की वजह से आपको जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें कि इसमें कुछ टाइम लगता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं रिकवर होने के लिए। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको 5, 10 से 15 दिन या फिर 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ दिनों तक आपको इसका सेवन करना होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद आपको काफी अच्छा फील होने लगेगा और आपको रिजल्ट्स भी काफी अच्छे देखने को मिलने लगेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah.